bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear students today we are going to read lesson from the battle of uhud unit number three lesson number one so this lesson has been included in the smart syllabus by the kpk government it is an important lesson also the battle of uhud is a very important battle in the history of Islam or in the history of Muslims, Muslims had defeated the Kafirs or the Kufars at the Battle of Badr, so with a very few number of Muslims. So they were trying to avenge their defeat of Badr. The very first sentence of the lesson goes like.

Uh, the battle, their defeat at the Battle of Badr, smarting under the ignominy of their defeat at Badr, the Quraysh of Makkah assembled a large army of three thousand persons and marched to Medina to avenge their earlier defeat. Smarting under the ignominy of their defeat at Badr. अपने गजवा बदर में अपनी शिकस्त की रसवाई में शर्मिंदा रहते हुए या उसकी अजियत में रहते हुए इन्होंने क्या किया द्रैश ऑफ मक्का असम्बल्ड ए लार्ज आर्मी ऑफ़ थ्री थाउजेंड पर्सनस क्रैश मक् ने तीन हज़ार लोगों की एक बड़ी आर्मी इन्होंने इकट्ठी की और टू मदीना मदीना की तरफ उन्होंने मार्च किया टू एवेंज द अर्लियर डिफीट अपने पहली शिकस्त जो थी बदर में शिकस्त उसका बदला लेने के लिए उसका एवेंज लेने के लिए वो मदीना की तरफ उन्होंने पहलकदमी की मदीना की तरफ वो रवाना हो गए द फोर्स वॉज लेड बाई अबू सुफिया विच इंक्लूडिड एवरी एडल्ट फ्राम द्रैश इस फोर्स को लीड जो है इसकी सरबराही अबूसुफियाँ कर रहे थे जिसमें मतलब कुरैश मक्का के इस फ़ौज में कुरैश से सारे एडल्ट जो थे सारे बालग या सारे नौजवान उसमें शामिल थे द दर्स वॉज इक्विप्ड विद वार वेपन्स एंड ए कंपनीड बाई कंसिडरेबल नंबर ऑफ हु हुग सॉन्ग्स टू इंस्पायर द वॉरियर्स इस फौज ये फौज जो थी ये जंगी साजो सामान से वार वेपन से पूरी तरह लेस थी और उनके साथ काफ़ी तदाद में कंसिडरेबल नंबर औरतें भी शामिल थी जो कि गाना गा के उनको इंस्पायर कर रहे थे उनको और जोश दिला रहे थे द्रैश वार कॉन्फिडेंट दिस टाइम दे वुड वन एंड टीच द मुस्लिम्स ए लेसन कुरैश पुरमाद थे कि इस बार वो जंग जीत जाएंगे और मुसलमानों को सबक सिखाएंगे वन द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला केम टू नो ऑफ द इंटेंशन ऑफ द कुरैश ऑफ़ मक्ल्ड ए काउंसिल ऑफ वार जब महम्मद वसल्लम को कुरैश मक्का के इरादों का काल हुआ सल्लम को कुरैश मक्का के इरादों के बारे में इल्म हुआ कि वो हमला करने वाले हैं तो उन्होंने जंग का एक इजलास बुला लिया काउंसिल ऑफ़ वार बुला लिया मुशावरत के लिए मशवरे के लिए ही वाज पर्सनली ऑफ द ओपिनियन दैट इन व्यू ऑफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी द प्रॉपर कोर्स फॉर द मुस्लिम्स वाज टू रिमेन इन मदीना एंड टू लेट द एनमी बी सीज दिटी महम्मदी तौर पर उसका राय ये था उसका ओपीनियन ये था कि दुश्मन के स्ट्रेंग को देखते हुए दुश्मन की क़वत को देखते हुए सही तरीका प्रॉपर कोर्स मुसलमानों के लिए ये होगा कि वो कुफ़ार को मदीना तक आने दें महम्मदल्लम का ओपिनियन ये था कि मुसलम्स मदीने के अंदर रहें और दुश्मन को मदीने तक आने दें और इसका मुहासरा करने दें बिस मीन्स टू सीज सम मुहासरा करना द आइडिया वॉज दैट इफ़ द एनिमी बी सीज सिटी इट्स फोर्स वुड हैव टू बी डिस्पर्स इन नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड द मुस्लिम्स कुट्राइक ए ब्लो एट द एनिमी वे द एनिमीज कंसनट्रेशन वॉज द विकेस्ट आइडिया ये था कि अगर दुश्मन मदीने का शहर का मुहासरा करेंगे तो उसकी क़वत जो है उसके फोर्स जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों में फैल जाएंगे, डिस्पर्स कहते हैं बिखरने को या मुंतशिर होने को कहते हैं यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो फ़ैल जाएंगे, शहर का मुहासरा करेंगे और मुसलमान देखते हुए कि किस जगह पर उनकी कंसनट्रेशन कम है उनकी तैदाद कम है उनकी क़वत कम है किस जगह पे उनकी जो है कंसंट्रेशन uh, जो है वो कम है उस पे हमला कर सके कर सकते हैं दिस वाज द ओपिनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम द यंग एलिमेंट्स एमॉन्ग द मुस्लिम्स हव व इंसिसट दैट द बैटल शुड बी फॉट इन द ओपन एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मदीना मुसलमानों में जो नौजवान थे जो जोशीले नौजवान थे वो उनका ये इसरार था दे इंसिस्टेड कि ये जंग मदीने से दूर किसी खुले मैदान में लड़ी जानी जानी चाहिए दिए आर्गमेंट वॉज दैट द एनिमी शुड नाट बी टू अप्रोच मदीना एट एनी कास्ट उनकी दलील ये थी कि दुश्मन को किसी भी सूरत मदीने तक नहीं पहुंचने देना चाहिए दाऊ अलैहि वसल्लम बिलीव दैट द डिफेंसिव स्ट्रेटजी प्रपोज्ड बाय हिम वाज द बेस्ट इन दैकम स्टांस अगरचे वसल्लम का ये यकीन था वो जानते थे कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी उसने डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो तरकीब उसने डिफेंसिव तरकीब मोहम्मद ने प्रपोज़ किया है तजवीज़ किया है वो इन हालात में इन सरकमस्टांस में बे, बेस्ट है सबसे बेहतर है दिफाई जो तरकीब उसने दी है वो सबसे बेहतर है लेकिन येट इन डेफरेंस टू द इंथोजियाज़म ऑफ द यंग मैन टू कीप द एनिमी अवे फ्रॉम मदीना ही एग्रीड टू मीट द एनिमी इन द ओपन आउटसाइड मदीना ताहम नौजवान मुसलमानों के जोश व जज्बे का क़दर रखते हुए उनका लिहाज रखते हुए डिफरेंस क़दर रखना या लिहाज रखने को कहते हैं मोहम्मद ने हामी भर ली इस बात पे एग्री हो गए कि दुश्मन का मुकाबला मदीने से बाहर किसी खुले मैदान में उनका मुकाबला किया जाए द मुसलिम्स कुड असम्बल ए फोर्स ऑफ वन थाउजेंड परसन ओनली मुसलमान सिर्फ़ एक हज़ार बंदों की फ़ौज ही वो जमा कर सके मुसलमानों के पास फौज जो तैयार हुई वह सिर्फ हज़ार बंदों पर मुश्तमिल था वन द होली प्रॉफिट सल्ह वसम गेव द आर्डर फॉर द मार्च टू द बेटल फील्ड थ्री हंड्रेड हिपाक्रेट्स लेट अब्दुल्ला बिन बुबे विड्रे एंड वन देर होम्स जब मोहम्मद ने हुक्म शादर किया मार्च के लिए बैटलफील्ड फील्ड की तरफ मार्च के लिए बैटल फील्ड की तरफ मूव करने के लिए जब हजूल ने हुक्म शादर किया तो तीन सौ मुनाफिक हीपोक्रेट्स में इन जिनकी जो है जो कि अब्दुल्ल बीबे की सरबराही में वो वापस अपने घरों की तरफ चले गए वो बैटल फील्ड की तरफ नहीं गए दाहौली प्रॉफिट अलैहि वसल्लम वाज दस लेफ्ट विथ सेवन हंड्रेड परसन ओनली एंड दिस वाज वन फोर्थ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ़ द एनिमी तो मुहम्मद के पास सिर्फ़ सात सौ बंदे बच गए और ये दुश्मन के स्ट्रेंथ का इसके क़वत का एक चौथाई था मतलब यह है कि फी मुस्लिम वारियर के लिए दुश्मन के पास चार बंदे थे उहद ए फ्यू माइल्स फ्रॉम मदीना वाज ए ग्रेट स्ट्रेच ऑफ़ बेरन रॉक रेजिंग आउट ऑफ द डिज़र्ट विदाउट एनी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन उहद जो है ये मदीने से कुछ मील के फ़ासिले पे बेरेन राक्स का बंजर चटानों का एक फैलाव था जो कि डिज़र्ट से उभरे हुए थे और यहाँ पे कोई वेजिटेशन कोई सब्ज़ा वगैरह किसी सब्ज़े का ग्रोथ किसी सब्ज़ा यहाँ पे नहीं उगता था बड़ा ही बंजर बेब्या ज़मीन था इसमें चटान थे रॉक्स थे उभरी हुई जगह थी

ए बैंड ऑफ आर्चर्स टुक अप पोजिशन्स आन द एजाइनिंग माउंट बिहड द मेन पोजिशन एक दस्ता आर्चर्स का तीरंदाजों का उसको ये हुक्म दिया गया कि आप मेन पोजीशन जो है मेन बेटल ग्राउंड जो है उसके बिल्कुल अकब में ये उबरी हुई जगह जो है टीला जो है माउंट इसमें अपने पोजीशंस आप संभाल लें इसमें आप मुरचा जन हो जाएँ

ना कह दे कि आप जगह छोड़ दें उस वक़्त तक आप वो जगह ना छोड़ दें आफ्टर द डेल्स द बैटल बिगेन डोल के बाद डेल्व मीनस दो बंदों की लड़ाई को कहते हैं पहले ज़माने में पूरी फुल बैटल शुरू होने से पहले हर साइड से एक एक बंदा आगे जाता था एक एक वारियर आगे जाता था पहले उनके दरमियान मुकाबला होता था एंड आफ्टर द डेल्स द मेन बैटल बिगेन यहाँ भी इसी तरह हुआ डेल हुआ पहले दो बंदों की लड़ाई हुई और उसके बाद बैटल जो है मेन बैटल वो शुरू हो गया जंग छिड़ गई दुरायशुआ चार्ज कुरश चार्ज, चार्ज विद ग्रेट फोर्स द मुस्लिम्स हेल्ड फास्ट कुरैश ने बहुत ज़ोर से ग्रेट फोर्स के साथ हमला किया लेकिन मुसलमानों ने उसका बहुत मुकाबिला किया ठीक है देन इन काउंटर अटैक द मुस्लिम्स ब्रोक द एनिमी लाइन एनिमीज़ लाइन एंड द क्राइश फेल बैक फिर जवाबी हमले में मुसलमानों ने दुश्मनों की सफ़ों को तोड़ लिया दुश्मनों के बीच घुस गए और एनिमी जो थी दुश्मन कुरैश जो थे वो पीछे हट गए एट दिस स्टेज द कंटिनजेंट ऑफ द मुस्लिम आर्चर्स contrary टू द instructions ऑफ द होली प्रॉफिट (peace बी अपॉन हिम लेफ्ट their position. इस मरहले में जब कुरैश पीछे हट गई जंग जो है उसका पासा जो है मुसलमानों की तरफ था मुस्लिम्स हैट द अपर हैंड देर फिर यहाँ पे वो दस्ता जो था जिनको हजू वसलम ने कहा था उन तीरंदाजों का दस्ता कि आपको किसी भी हाल में अपनी जगह से नहीं हिलना है वो पोजीशंस आपने नहीं छोड़नी है वसम के इंस्ट्रक्शंस उनके ताक़ के बरक्स तलीमत के बरक्स उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी इन ऑर्डर टू द कैंप ऑफ द रिट्रीटिंग क्रैश क्या करने के लिए क्रैश मक्का जो यहाँ से भाग गए थे रिट्रीट हो गए थे पीछे हट रहे थे उनसे माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आ, लिखा है टू प्लंड द कैंप ऑफ रिट्रीटिंग क्रैश बट वी कैन नॉट ट्रांसलेट इसको हम ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि वो आर्चर्स जो थे कुरश मक्का के कैम्प में लूट मार के लिए जाने के लिए उन्होंने अपने जगह छोड़ दी बिल्ला वी के नाट से दैट देवर सहाबास और रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए सारे सहाबा सो so, वो क्या करने के लिए गए थे माले गनीमत टू कलेक्ट द बूटी फ्राम द कैम्प्स ऑफ द रिट्रीटिंग क्रैश द आर्चर्स हु आर कमांडेड बाई द प्रॉफिट पीस बी अपान हिम not to leave their position positions until the approval of the Prophet, peace be upon him. On the contrary of uh, the instructions of the Prophet, <inaudible> they left their positions in order to collect booty. Abikyahua Khalid bin Walid

एन आक्यूपाइड द पोजिशन आफ्टर किलिंग टेन ऑफ द मुस्लिम आर्चर्स हो हैड स्टेट बिहड वो जल्दी से खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों का दस्ता लेके गए कैबल घुड़सवारों को कहते हैं उनको लेके उसी जगह पे उस पोजीशन पे पहुंच गए और यहाँ पे दस तीरंदाज मुसलमान यहाँ पे मौजूद थे इनको शहीद करने के बाद इस जगह पर कब्जा कर लिया को पाए कर लिया this exposed the Muslims to an attack from the rear as well as from the front. तो इस जगह पर जब ख़ालिद बिन्नी वलीद रज़ी तुनों कब्जा कर लिया अकुपाई कर लिया तो मुसलमान दोनों तरफ से पिछली तरफ से भी और आगे की तरफ से भी हमले के लिए एक्सपोज हो गए गैर महफूज हो गए और इनका कोई डिफेंस नहीं रहा ना पीछे की तरफ से रेयर की तरफ से ना फ्रंट की तरफ से

कन्फ्यूज़न फैल गया जो इंतशार फैल गई इसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद कर दिए गए हमज़ा रजील् तू एन अंकल ऑफ द होली प्रॉफ़िट वसल्लम, फेल फाइटिंग अमीर हमज़ा रज़ील तन यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो गए ए सहाबी बिन उमेर रजील् तैन

लाश देख के उस शहीद सहाबी के लाश देख के जिसकी जिस्मानी शबाहत वसल्लम से मिलती थी कुछ मुमासिलत थी तो उसको देख के कुरैश ऑफ मक्का जो थे इन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि वसल्लम जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं इन कन्फ्यूजन दैट फॉलोड द होली प्रॉफिट वसल्लम वाज वूंडेड एंड ही फल इन ए पिट ओवर द डेड बॉडीज़ ऑफ इस फॉलोअर्स इस सरासीमगी में और इसके बाद जो सरासीमगी जो कन्फ्यूजन जो इंतशार फैल गया मोहम्मद सल व्म जख्मी हो गए और एक पिट में एक गड़े में वहाँ पर एक खड्डा था उसमें सहाबियों के लाश मुबारक वहाँ पर पड़े हुए थे इसमें गिर गए नाव दिस इज़ ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसको बास कहते हैं कि हुजूर हजू नेवर फेल इनटू टू ए पिट देयर सम ही फेल इन ए पिट ओवर द डेड बॉडीज़ ऑफ इज फॉलोवर्स सो हम ये नहीं कह सकते कि क्या है लेकिन एज़ इट इज़ रिटन इन दिस बुक सो आई हैव टू ट्रांसलेट इट सो आई आल्सो थिंक हुजूर हजूस नेवर फेल

दौड़ के बाग के उस जगह पे आ गए जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम थे स्टेशन थे ही फाउंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वूंडेड लाइंग इन द पिट तो उसने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पिट में एक खड्डे में ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं तो

अबू बकर रज़ील्ल तू और उमर रज़ील् तैन भी वहाँ पर मौजूद थे हजूस को अपने हमराह सेफर प्लेस तक ले गए करना अपने हमराह ले जाने को कहते हैं सिंस द क्राइश कैप्ट ऑन शाउटिंग दैट मोहम्मद सल्ला वम हैड बीन खिल्ड द मुस्लिम वॉरियर्स इंगेज इन कॉम्बैट विद द वॉ डी मोरलाइज्ड चूंकि क़्राइश ये कहते रहे थे कि मतलब वो कंटिन्यूसली ये कह रहे थे ऐलान कर रहे थे ये चीख रहे थे कि नवज़ बिल्ल मोहम्मद हैड बीन किल्ड मोहम्मद शहीद कर दिए गए हैं तो वो मुस्लिम जंगजू जो कुफ़ार के साथ नबरदाजमा थे इन इनकम्बेट थे वो डीमोरलाइज हो गए थे बददिल हो गए थे वो कम हिम्मत मतलब हिम्मत उन्होंने खो दिया था बिकॉज़ दे फेल्ट दैट इफ़ द हौली प्रॉफिट सलील वम हैड बीन किल्ड देर वाज नो पॉइंट इन फाइटिंग द बैटल वो ये महसूस कर रहे थे कि अगर ख़ुदा न खासा हजू सहीद कर दिए गए हैं तो फिर जंग लड़ने की जंग लड़ने का कोई तुक नहीं बनता ठीक है एट दिस जंग च एट द इंस्टेंस ऑफ द हौली प्रॉफिट सल्ला उमर रजील् तहू शाउट बैक एट द दुराइश एंड हॉली प्रॉफिट वाज वेरी मच ए लाइव इस टाइम पर इस जंक्चर में इस लमहे में हजूस के उसके आप कह सकते हो पे इंस्टेंस पे हज़रत हज़रतमर रजील्ल्लु तह क्रैश वो जो शाउट कर रहे थे उनका जवाब दिया उसने कहा कि हजूर ठीक ठाक हैं ऑन रीगेनिंग फुल कॉन्शियसनेस द होली प्रॉफिट सल्ला वल् चार्ज अली टू लॉन्च ए काउंटर अटैक अगेंस्ट द्रैश जब हजूर सल्ला वम अपने पूरे होश में आ गए होश वह में आ गए तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह हज़रतली को कोदत संभाल उससे उससे क़ियात दे दी उस फौज की और उसे काउंटर अटैक करने का कहा काउंटर अटैक जवाबी कार्रवाई करने का कहा जवाबी हमला करने का कहा अली द मुस्लिम्स रजील्ला टू फाइट फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड फेल अपॉन द एनिमी लाइक एंड बोल्ट हजरत अली रजील्लान्ह ने मुसलमानों को जमा किया और उनको ताक़द की कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अज़मत के लिए ग्लोरी के लिए इस्लाम की शान के लिए लड़ें और दुश्मन पे कड़क की तरह आसमानी बिजली की तरह टूट पड़े वन अली रज़िल् तू ब्रोक हीज सोर्ड द हॉली प्रॉफिट हिम हीज़ ओन शोट और जब हज़रत अली हज़रतली रज़ील्ल्लू ने अपनी तलवार तोड़ दी उसकी लड़ते हुए उसकी तलवार टूट गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार उसे बेच दी हज़रत अली हज़रतली अन्हु को बेच दी अली रज़िल्ल् अन्हु एंड हिज़ केप्ट ऑन फाइटिंग अनटिल दे सक्सेडेड इन ड्राइविंग बैक द हज़रत अली हज़रतली रज़िल्ल अन्हु और उसके साथी उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने काफिर को कुरैश को वापस नहीं किया भागने पर मजबूर ना किया कुरैश कुड नाट एडवेंटेज ऑफ द एट दई है स्टेज ऑफ द बैटल कुरैश मक्का ने इस फतह का जो इन्होंने थोड़ी देर पहले कुछ अर्लीयर स्टेज ऑफ द बैटल जो था इसमें फ़तह पा लिया था इन्होंने इसका फ़ायदा हजरत अली रज़ील तुन उन्हें लेने नहीं दिया अबू अबूसफियाँ

कि इन्होंने मुसलमानों से अपना बदला ले लिया है बदर का बदला ले लिया है अबू सुफियान डिक्लेयर दैट द क्राइश वुड सून हैव ए ना विद द मुस्लिम्स एंड कॉन्फ्रटेशन वन द मुस्लिम्स वुड बी एनाइलेटेड। अबू सुफियान ने यह भी ऐलान किया कि कुरेश जल्द ही दोबारा जंग लड़ेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कन्फ्रेंटेशन करेंगे ज जब क्या होंगे उस कन्फ्रेंटेशन के बाद मुसलमान एना हीट किए जाएंगे उनको ख़त्म कर दिए जाएगा एना हीट बेहनी करने को कहते हैं बिल्कुल ख़ात्मे को कहते हैं द बैटल ऑफ उहद इज़ एन इम्पॉर्टेंट बैटल इन दिस्ट्री ऑफ इस्लाम इस्लाम की तारीख में गज व उहद जो है ये या उद का मार का जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है इन द दिल्ली स्टेज द बैटल वेंट इन फेवर ऑफ़ द मुस्लिम्स बट बिकॉज ऑफ़ द टैक्टिकल मिस्टेक मेड बाय द आर्चर्स द टाइड ऑफ द बैटल वॉज रिवर्स्ड पहले अवाइल में क्यों ये इम्पोटेंट है जंग के शुरू में अवाइल में मुसलमानों का पड़ा बारी रहा जंग मुसलमानों के फेवर में आ गया मुसलमानों का पड़ला भारी रहा और इस टेक्टिकल मिस्टेक की वजह से उन आर्चर्स का उन तिरंदाजों का तिरंदाज साहबा का जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी तदबीर में इन्होंने चाल में जो गलती की यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो गया जंग का रुख बदल गया टाइड ऑफ बैटल वाज डिवर्स्ड और क्रैश केम टू हैव एन अपर हैंड फॉर एफ वायल और कुछ देर के लिए कुरैश की बालादस्ती रही जंग में उनका पल्ला बारी रहा द मुसलिम्स वा हथोरली डी डीमोरलाइज एंड प्रैक्टिकली लॉस्ट द विल टू फाइट मुसलमान कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर इन्होंने हिम्मत खो दिया था कम हिम्मत हो गए थे और अमली तौर पर इन्होंने लड़ने की हिम्मत खो दी थी विल ऑफ़ फ़ाइट या विल टू फाइट जो है उसको खो दिया था इट वाज एट दिस स्टेज दैट अली रज़ील्लाक दमान एंड प्रिवेंटिड कुरैश फ्राम टेकिंग एडवेंटेज ऑफ द विक्ट्रीट दे है दई हैड वन आल ईयर इस स्टेज पर इस मरहल पर हज़रतली रजील्ल्ल तूने कमांड संभाल लिया सरपरस्ती संभाल ली फ़ौज की तो इन्होंने क्या किया कुरैश को इस जंग का इस मारी के जो इन्होंने कुछ उनका पल्ला बारी हुआ था इसको इसका फ़ायदा लेने से इन्हें प्रिवेंट किया बचा लिया द बैटल देट वुड हैव अदरवाइज एंडेड इन द एनाईन ऑफ द मुस्लिम्स कंक्लूडेड एज अ ड्रॉन बैटल ये अगर इस तरह नहीं होता ये बैटल मुसलमानों के इनाई पे ख़त्म होता लेकिन बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ़ द फाइट बेक बिकॉज ऑफ़ द काउंटर अटेक ऑफ हजरत अली रज़ील् तु क्या हो गया ये एक ड्रांड बैटल हो गया बैटल ड्रा हो गया ना आप कह सकते हो कि मुसलमानों की फतः हो गई ना कुफारक्का जो थे उनकी फतह हो गई अगर इस तरह नहीं होता तो ये तकरीब इस तरह का सिचुएशन बन गया था कि मुसलमानों की एना हीशन होती मुसलमान तकरीबा ख़त्म हो जाते द कुरश कुड गेन नो बूटी दे कुड नो नोट मेक एनी मुस्लिम एकेप्टि ड्राम बेटल किस तरह कि कुरश ने कोई माल गनीमत वो इकट्ठे ना कर सके किसी मुस्लिम को वो कैदी ना बना सके ट्रू मैनी मुस्लिम डायट एज माथायर्स बट देशीज़ इन द रें ऑफ द कुरश वार्ज ये बात सच है कि मुसलमान बहुत सारे मुस्लिम साहबा शहीद हो गए लेकिन फिर भी कैजुअल्टी जो है नुकसान जो थे वो क्रैश के सफ़ों में मुसलमानों से भी ज़्यादा थे बहुत ज़्यादा काफिर जो है वो वहाँ पर हलाक कर दिए गए द मुस्लिम ऑलमोस्ट लास्ट द बैटल ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ आर्चर्स लिविंग द पोस्ट कॉन्ट्री टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ़ द हौली प्रॉफिट अलैहि वसल्लम मुसलमान इस जंग को तकरीबन तकरीबन हार चुके थे क्यों हार चुके थे उन मेजॉरिटी ऑफ आर्चर्स जो थे तीरंदाजों के ज़्यादा ज़्यादातर तीरंदाज अपनी जगह उन्होंने छोड़ दिया था इनकी वजह से तकरीबन तकरीबन मुसलमान इस जंग को हारते हारते बच गए इन्होंने हजूल वसम के तलीमत के बरअक्स कंट्ररी टू द इंस्ट्रकशन ऑफ द हौली प्रॉफिट इन्होंने अपनी जगह जो थी वो क्या करती लेफ़्ट कर दी थी वो जगह छोड़ दिया था इसी वजह से वे पे डेली फॉर द मिस्टेक विद दे लाइव इन तीरंदाजों ने इसकी बड़ी कीमत इन्होंने चुकाई अपनी जान दे दिए जान दे के उसकी कीमत चुकाई वो शहीद हो गए हाउ अवार द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम लर्न एंड इनवेलुएबल लेसन